एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब जरा बेटा बात को ध्यान से सुनना, क्या होता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? भाई आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक नया बंदा एंटर हो रहा है, ठीक है, वो नया बंदा एंटर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो आपकी चीजों पे, आपके रिसोर्सेस पे अब उसका भी राइट होगा, है ना। तो सीधी सीधी बात है बेटा, मैं बात बता रहा हूं 6 मई 2019। सर क्या है ये डेट? सर इस दिन मेरी शादी हुई थी, है ना। हाँ तो सर इस दिन से पहले ना लाइफ कुछ अलग थी, इस दिन के बाद लाइफ कुछ और हो गई। सर ऐसा क्या हुआ? देखिए अब जरा बात को ध्यान से समझना, 6 मई 2019 से पहले अगर मैं एक पिज्जा ऑर्डर करता था तो मैं अकेले खाता था पूरा का पूरा, है ना सर, पूरा का पूरा पिज्जा अकेले खाता था। बट अब 6 मई के बाद, अब देखो आदत ये, तो दो मंगाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा? डबल पैसा दे, मुझे तो 50% ही मिलना है ना। एक मंगाऊंगा तो आधा मिलेगा, दो मंगाऊंगा तो भी एक मिलेगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ पहले मैं दो मंगाता तो दो के दो मुझे मिलते। कहने का मतलब सैक्रिफाइस किया सर इस लड़के ने, अपना अपनी चीजें सैक्रिफाइस करी, मैंने अपना पिज्जा सैक्रिफाइस किया, है ना। तो कहने का मतलब जब भी फर्म में एक नया पार्टनर आता है ना बेटा, तो जो पुराने पार्टनर है वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस। सर उसके बाद 27 अगस्त 2020 को एक और पार्टनर आया। सर ये आधा फिर और आधा हो गया, है ना। तो कहने का मतलब अब इसमें तीन पार्टनर हो गए। देखो पिज्जा एक ही रहेगा, उसमें पार्टनर्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, शेयर्स जो है वो बढ़ता घटता जाएगा। तो बेटा ध्यान से समझना, सो इन पार्टनरशिप फॉर्म में भी यही होगा। भाई सीधी सीधी बात है, पार्टनर आते रहेंगे, ये ये जो शेयर्स है ना, ये मतलब कुल मिला के एक बात बताओ, अब बच्चे को लग रहा है सर अब 100 पिज्जा मंगा लेना, 100 पार्टनर, सॉरी 100 ही हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, अभी तो 50 ही हो सकते हैं। तो ध्यान से समझना, 50 पार्टनर्स सर टोटेलिटी में देखो, अब 100% की टर्म में देखो। तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात है बेटा, जब भी एक नया पार्टनर आता है तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है। क्यों? क्योंकि भाई नया पार्टनर आएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो हिस्सा देना पड़ेगा, है ना। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, भाई सपोज करो ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, 50% ए ले रहा है, 50% बी ले रहा है, ठीक है। तो दोनों पार्टनर है, बहुत खुश है दोनों अपनी जिंदगी से, है ना। अब एक दिन इन्होंने एक नया पार्टनर सी को एडमिट किया, इन्होंने किसको एडमिट किया सर? सर सी को एडमिट किया 20% के लिए, इन्होंने बोला सी से भाई तू आ जा, है ना, और हम तुझे 20% का शेयर दे रहे हैं। तो इन्होंने सी को 20% के लिए क्या करा बेटा? एडमिट करा। तो सी 20% के लिए आया, अब हमें न्यू पीएसआर निकालना है। तो बड़ा सिंपल है सर, टोटल प्रॉफिट कितना होगा सर? सर टोटल प्रॉफिट 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता भाई, टोटल प्रॉफिट 100% होगा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। बताओ सी का शेयर क्या है? बताओ शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी है सर 20%। तो बताओ सर रिमेनिंग क्या बचा? रिमेनिंग बचा 80%। अब ये 80% किसके किसके लिए बचा सर? तो सर ये 80% ए और बी के लिए बचा। तो 80% कौन कौन बांट लेंगे बेटा? ए और बी। तो बताओ ए को मिलेगा 80% का 50%, तो मतलब 40%, और बी को कितना मिलेगा सर? 80% का 50%, 40%, और हमें पता है सी का क्या हो गया? 20%। तो इसका मतलब हमारा जो नया रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 40% 40% एंड 20%। तो ध्यान से समझना बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दो पार्टनर थे ए और बी, उनका जो रेशियो था बेटा 50-50% था। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ सर? 20% के लिए एडमिट हुआ। अब जरा बात को ध्यान से समझना, तो टोटल प्रॉफिट हमारा 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, तो मैंने टोटल प्रॉफिट को क्या माना बेटा? 100%, है ना। 100% से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है क्या? नहीं, है ना। तो जो बच्चे बोल रहे थे सर दो पिज्जा आप खरीद लेना, तो अब दो पिज्जा मेरे लिए 100% है ना, अब तीन खरीद लूंगा तो तीन पिज्जा वो मेरे लिए 100% है, तो आई विल गेट ओनली 1/3,
ठीक है, एक पिज्जा मिलेगा मुझे, तो मुझे 33% ही मिल रहा है, तो टोटल प्रॉफिट आपका 100 होगा, जिसमें सी का शेयर है बेटा 20%, तो रिमेनिंग क्या बचेगा बताओ सर? रिमेनिंग बचेगा 80%। अब ये 80% किसके किसके लिए बचा सर? 80% ए और बी के लिए बचा, तो ए और बी इस 80% को बांट लेंगे। ए को मिलेगा 80% का 50%, 40%, और बी को मिलेगा 80% का 50%, 40%, सी को 20%। अच्छा, तो ए को 60, मतलब 80 का 64% मिलता है ना, उसको मिलता 80 का 40, 24, तो बाकी उसको मिल जाता, ठीक है। अच्छा, अब इसी बात को, रिश्ता वही सोच नहीं, अगर मैं इसी बात को थोड़ा ऐसे बोल दूं, परसेंटेज टर्म से हटा दूं, मैं ऐसे बोल देता हूं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:1, ऐसे बोल देता हूं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:1, बात तो वही है। दे एडमिट सी फॉर 20% की जगह क्या लिख देता हूं? 1/5। अच्छा, टोटल प्रॉफिट 100% है, तो सर 100% मतलब 100/100, दैट इज 1। सर 1 से ज्यादा प्रॉफिट आपको ही नहीं सकता, 1 डिनोट करता है 100% को, 100% टोटल प्रॉफिट 1 मतलब 100%। अब सी को 1/5 दे रहे हो, तो बताओ रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 - 1/5, 4/5। सर 80% को हम 4/5 भी बोलते हैं, कैसे? 80/100, 4/5, कैसे भी कर लो। अब ये 4/5 ए और बी को मिल जाएगा, मतलब ए को मिलेगा 4/5 का हाफ, बी को मिलेगा 4/5 का हाफ, है ना, तो 4/10 और 4/10, और सी को क्या मिलेगा सर? सर सी का मिलेगा 1/5। बेस इक्वल करने के लिए 2:2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/10। सर अगर आप 2:2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने पे, उसकी वैल्यू में कोई चेंज आता है? नहीं। तो अगर आप 2:2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इट मींस यू आर मल्टीप्लाइंग विद 1, किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं होता, बट मेरा बेस क्या हो गया? इक्वल। तो मेरा रेशियो आ गया बेटा, न्यू रेशियो 4:4:2 या 2:2:1, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब भी फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो हम सबसे पहले न्यू पीएसआर निकालते हैं, और न्यू पीएसआर निकालने के कितने केसेस हैं? 3 केसेस हैं। उन 3 केसेस में से पहला केस का एक पार्ट मैंने आपको बताया, जिसे मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वैसे तो डिटेल होगी, बस एक लिखो, सबसे पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। जी बिल्कुल, जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ केस वाइज। तो फर्स्ट केस इज when new partner acquire his share from old partners, when new partner acquire his share from old partners, when new partner acquire his share from old partner in their old profit sharing ratio, है ना, when new partner acquire his share from old partner in their old profit sharing ratio। सर लिख लिया ना, समझने की जरूरत नहीं है, समझाता हूं, अब इधर आ जाओ बोर्ड पर। सर हेडिंग डाल ली ना आप लोगों ने, अब इधर ध्यान देना बेटा। केस नंबर 1, 5 पार्ट है बेटा इस केस के, तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या है सर हमारा? तो फर्स्ट पार्ट है सर, आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो भाई, फर्स्ट पार्ट है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए और बी, और रेशियो क्या है? 3:2। हमने किसको एडमिट किया? सी को एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर। कितने के लिए एडमिट किया बेटा? तो कैलकुलेट एनपीएसआर। तो अब आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। दो पार्टनर थे बेटा ए और बी, उनका रेशियो था 3:2। एक नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ? सी एडमिट हुआ। कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ? 1/5। तो कैलकुलेट न्यू पीएसआर। तो अगर इतना सा दो इंफॉर्मेशन आपको दिए, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर, तो आप समझ जाना कौन सा केस है, फर्स्ट का ए पार्ट। तो देखो यहां पे कैसे करते हैं इसे, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट क्या मान रहा हूं बेटा मैं? 1। भाई क्या 1 से ज्यादा हो सकता है? 1 का मतलब मैंने क्या बोला? 100%।
तो टोटल प्रॉफिट है 1। अब बताओ शेयर ऑफ सी क्या है, बताओ शेयर ऑफ सी है बेटा 1/5। तो बताओ रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा 1 - 1/5, क्या बचा 4/5। अब ये 4/5 किसके किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। तो इस 4/5 को कौन कौन बांट लेंगे, ए और बी। तो ए का न्यू पीएसआर क्या आएगा बताओ, ए का न्यू पीएसआर आएगा 4/5 इंटू, भाई ठीक है जरा ध्यान से समझना, फ्यूचर में 1 रुपए होगा प्रॉफिट, 1 रुपए होगा, सी को 1/5 दे देंगे क्योंकि उसका शेयर पता है। तो रिमेनिंग क्या बचा 4/5, तो ये 4/5 किसके किसके लिए बचा, और ए और बी का रेशियो आपको पता है क्या है 3/5 और 2/5। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 3/5, और बताओ बी का न्यू पीएसआर क्या हो जाएगा बेटा 4/5 × 2/5, तो सर होगा 12/25 और 8/25। अच्छा सी का बताओ क्या है फिर, 1/5 है ना भाई, सी का हिस्सा कितना है हमारा 1/5 है। सर हमें बेस इक्वल करना है तो ऊपर नीचे 5/5 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो 5/25 हो जाएगा। तो आपका रेशियो हो जाएगा 12:8 और 5, ठीक है। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया, याद करो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है या नहीं है? है तो क्या होता था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता था ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस, भाई सीधी सीधी बात है ना, सैक्रिफाइस मतलब आपने कितना त्याग किया। तो पहले आपको 10 मिलता था, अब 8 मिलता है, तो इसका मतलब आपने 2 रुपए सैक्रिफाइस कर दिए। पहले आपको 10 रुपए मिलते थे, अब 8 रुपए मिलते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम एक एक करके, आपको ओल्ड रेशियो पता है का क्या, बताओ सर 3/5। न्यू रेशियो पता है क्या है सर, न्यू है 12/25। तो अगर मैं ए की बात करता हूं ना, ए का जो न्यू है बेटा, ओल्ड है बेटा, वो है 3/5, और ओल्ड न्यू क्या है बताओ 12/25। तो बेटा हमारा 25 आ जाएगा कॉमन, 5/5 15 - 12 3/5। ऐसे बेटा बी का बताओ, बी का ओल्ड क्या है 2/5 8/25, तो 25 आएगा 5/5 = 25 10 - 8 2/25। तो सर हमारा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया वो क्या आया सर, वो आया 3:2। अच्छा एक बात बताओ, ओल्ड रेशियो क्या था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, एक बात बताओ, जब 8 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए ना तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला केस दिया हो ना, ये हमेशा है, आप कैसे भी कर लो, अगर केस नंबर फर्स्ट का ए पार्ट गिवन है तो आप समझ जाना इसमें जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि मैंने लिखवाया अभी देखो, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब उसने अपना जो शेयर है वो दोनों पार्टनर से एक्वायर करा है उसी रेशियो में। तो यानी कि ये इसके आउटकम है बेटा इन केस नंबर 1 ए पार्ट, ओल्ड रेशियो इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है। तो मतलब यहां आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब अभी आपको बता दिया गया है, क्योंकि जब 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा उसमें तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी, वहां थोड़ा ना आप इतनी कैलकुलेशन में लगे रहोगे, तो वहां के लिए आपके लिए सिंपल लर्निंग है। अगर ये वाला केस दे रखा है आपको फर्स्ट केस का ए पार्ट, इसमें बेटा अभी बस ओल्ड पार्टनर का शेयर और न्यू पार्टनर का शेयर और कुछ भी नहीं दे रखा, दो ही चीजें दे रखी, ओल्ड पार्टनर का शेयर दे रखा और न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा, दो ही। कहां पे 3/5, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं बेटा, मैं ये बोल रहा हूं अगर ये क्वेश्चन इतना सा दिया है आपको तो आप समझ जाना कौन सा केस है, फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ पे ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर का शेयर दिया है और सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया, तो ये केस नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो यहां पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, यहां पे आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा क्या निकलेगी, जो ओल्ड रेशियो है वही निकलेगी, समझो ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं, आंसर के हिसाब से नहीं, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो फास्ट,
केस नंबर वन हमारा ए पार्ट आपको सभी को समझ में आ गया। अब हम केस पार्ट टू देखो भाई, इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जरा बात को ध्यान से समझना। अब मैं क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर रहा हूं तो बी पार्ट बन जाएगा बस, बाकी सॉल्यूशन का तरीका वही होगा। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, है ना। कौन कौन पार्टनर है बेटा? ए और बी, और इनका रेशियो क्या है? 3:2। इन्होंने किसको एडमिट किया बेटा? सी को एडमिट किया, कितने शेयर के लिए? पिछला क्वेश्चन यही खत्म हो गया था ना, बट यहां एक नई लाइन लिख दी। ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1। सीधी सीधी बात है बेटा, एक नई लाइन ऐड होगी बस। क्या हो गया? पिछला क्वेश्चन सेम था, उसमें एक नई चीज लिख दी। क्या? ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। किसको एडमिट किया बेटा इन्होंने? सी को। कितने शेयर के लिए? अब ए और बी ने डिसाइड करा कि फ्यूचर में उनको जो भी मिलेगा वो किस रेशियो में बांटेंगे। अब ये तो बताओ फ्यूचर को, फ्यूचर में ए और बी को क्या मिलेगा? देखो टोटल प्रॉफिट क्या है बेटा मेरा, जल्दी से बताओ। टोटल प्रॉफिट 1 है, जिसमें सी का शेयर क्या है बेटा? तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 1 - 1/5, 4/5। सीधी सीधी बात है बेटा, फ्यूचर में अगर हम 1 रुपए कमाएंगे, फ्यूचर में कितने रुपए कमाएंगे? 1 रुपए, तो सी को दे देंगे 1/5। तो फ्यूचर में ए और बी को मिलेगा क्या? 4/5। अब देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने इस रेशियो में बांटा था ना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था। अब यहां बोल दिया कि फ्यूचर में ए और बी को जो भी मिलेगा वो किस रेशियो में बांटेंगे, तो मतलब ए का हिस्सा क्या होगा बताओ? ए का एनपीएसआर होगा 4/5 × 2/3, और बी का न्यू पीएसआर क्या होगा? 4/5 × 1/3, तो 4/15, 8/15। और बताओ बेटा सी का न्यू पीएसआर क्या होगा? 1/5 है ना, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/15, तो 8:4:3। देखो भाई, इसमें और उसमें सिर्फ एक ही था फर्क था। पिछले क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा था तो मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया था, इस क्वेश्चन में बेटा मुझे बता दिया है कि भाई फ्यूचर में जो भी रेशियो होगा उसको 2:1 होगा, तो सर मैंने 2:1 में बांट दिया और अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह? चलो आगे बढ़ो, फिर नोट कर लो इसको। अब थर्ड केस जरा ध्यान से समझना, केस फर्स्ट का सी पार्ट। देखो ये भी थोड़ा सा ऐसा है। देखो कई बार क्या होता है, सपोज करो दो दोस्त थे ए और बी और सी, तीन दोस्त थे, ए बी सी तीन दोस्त थे, सी का दोस्त था डी, तो उसने मिलाया ए और बी को, यार ये मेरा दोस्त है। देखो सीधी सीधी बात है बेटा, देखो ए बी सी तीन पार्टनर है, ध्यान से समझना, ए बी सी कितने पार्टनर है? 3। अब ये जो सी है ना, इस सी का एक दोस्त है डी, है ना, सी का दोस्त कौन है? डी। तो एक दिन सी ने डी को बुलाया, आजा भाई मेरी फर्म में आजा, मैं अपने पार्टनर से मिलवाता हूं तुम्हें। तो बताओ सी डी को किससे मिलवाएगा? ए और बी से। अब ये सी ने डी को ए और बी से मिलवाया ना, तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद इन दोनों की आपस में लड़ाई होगी और डी जो है ए और बी का बड़ा खास दोस्त बन गया, डी जो है ए और बी का अच्छा दोस्त बन गया, और उसकी किससे लड़ाई होगी? ऐसा होता है बेटा कई कई बार लाइफ में कि आप किसी के थ्रू जिस दोस्त से मिले होते हैं वो आपका बाद में खास हो जाता है, जिसके थ्रू मिले थे उसको उससे बातचीत ही नहीं होती है ना ऐसा मेरे साथ भी हुआ है लाइफ में, तो ऐसा होता है। अब जरा बात को ध्यान से सुनना। अब सीधी सीधी बात है, कुछ टाइम के बाद पता है ए बी चाहते हैं कि अब डी भी पार्टनरशिप फर्म में आ जाए, क्या सी की परमिशन के बगैर आ सकता है? पर उन्होंने सी पे थोड़ा सा दबाव बनाया, बेटा देख नहीं तो हम ये डिसॉल्व कर देंगे, सब बंद कर देंगे। अब सी एग्री तो हो गया, चलो यार ऐसा करते हैं कि हम आपको क्या कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं। बट डी ने, सी ने कंडीशन लगा दी, उसको ना मैं अपने हिस्से में से 1 रुपए भी नहीं दूंगा। भाई उसने बोला तुम्हें अगर बुलाना है, उसे एडमिट करना है ना, देखो जरा ध्यान से समझना, 40% ए का है, 40% बी का है, 20% सी का है। सी ने बोला देख भाई ए और बी तुम इतना प्रेशर बना रहे हो, तो ठीक है तुम डी को एडमिट कर लो,
पर मैं ना अपने हिस्से से उसे एक रुपए भी नहीं दूंगा, अपने हिस्से से उसे क्या दूंगा। तो मतलब सी ने बोला कि मुझे 20% मिलता है तो मैं 20% लूंगा। अगर आप डी को 20% के लिए एडमिट करवा रहे हो तो 10 तू दियो अपने में से, 10 तू दियो, या जो भी जैसा भी है तुम्हारा सीन तुम देना, मैं अपने हिस्से में से एक भी रुपए नहीं दूंगा। तो बेटा इसी बात को थोड़ा मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3:2:1, है ना। सी एडमिट फॉर 1/6 year, सी को कितने के लिए एडमिट किया बेटा, सॉरी डी, डी एडमिट फॉर 1/6 year, एबीसी पार्टनर थे, 3:1 उनका रेशियो था, एक नया पार्टनर कौन एडमिट हुआ बेटा, डी, कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, इतना होता तो ये तो मैं केस नंबर 1 की तरह कर लेता, लेट टोटल प्रॉफिट 1 रिमेनिंग, बट यहां उसने एक लाइन और लिख दी, क्या, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, इसका मतलब क्या है सर, सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब उसे जितना अभी मिल रहा है ना फ्यूचर में भी उतना ही मिलेगा, मतलब वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब है सी सैक्रिफाइस करने वाला नहीं है। तो बताओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट क्या मानेंगे बेटा हम, 1, शेयर ऑफ डी क्या है बताओ, अब सी का भी तो फिक्स है ना शेयर, सी का भी 1/6 फिक्स है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करके मतलब आपको डी को तो देना ही देना है 1/6, सी को भी कितना देना है 1/6, तो बताओ रिमेनिंग क्या बचेगा सर, रिमेनिंग बचेगा 1 - 1/6 - 1/6, तो क्या बचेगा सर, ये 4/6 किसके किसके लिए बचेगा, ए और बी के लिए, तो ए का हिस्सा होगा बेटा 4/6 × ए और बी, सिर्फ सी को मत लेना, 3/5 और 2/5, तो ध्यान रखना 3/5, और बी का क्या होगा सर 4/6 × 2/5, तो ये हो जाएगा 12/30, ये हो जाएगा 8/30, और सी का बताओ क्या है बेटा 1/6, ऊपर नीचे 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/30, और बताओ डी का क्या होगा 1/6 ऊपर नीचे 5/5, तो बताओ क्या आया 12:8:2, सर देखो कुछ नहीं था केस, तो भाई फर्स्ट था, एक बंदे ने बोल दिया भाई देख मेरे हिस्से में से किसी को नहीं मिलेगा, मैं तो अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करके रखूंगा, तो जो नया टोटल 1 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, नए को तो इतना देना है, एक पुराने को भी इतना देना है, तो जो रिमेनिंग बचा वो बाकी के दोनों के लिए बचा, तो उसको हमने बांट दिया और बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तुम्हारे आगे। ठीक है भाई, समझ में तो नहीं आई बात, आ गई तो बेटा नोट कर लो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालोगे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जब आप ओल्ड रेशियो काउंट करोगे तो तीनों को करो, कहीं सिर्फ यहाँ 3:2 मत करना, ओल्ड रेशियो में तीनों काउंट होंगे, वो सिर्फ यहाँ बांटने के लिए 2 काउंट होंगे, समझ रहे हो नहीं समझ, ठीक है सर अब आते हैं बेटा, नहीं तो सैक्रिफाइस नहीं करा तो 0 निकलेगा ना, बट इनका गलत निकल जाएगा ना, अब अगर आप देखो, अब आप ऐसे देखो, जैसे मैं बोलूंगा 40% 40% और 20%, ठीक है ये था है ना, तो अगर आप ये हाँ 3/5 लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, क्या ए का 3/5 है क्या ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइस नहीं किया बट वो ठीक है, बट ए का ओल्ड शेयर क्या था 3/6 या 1/2 जिसे, तो डी तो न्यू तो ये रहा ना, वो सिर्फ जो आपने ये 3:2 करा था ये किसके लिए करा था, ये रिमेनिंग को बांटने के लिए करा था, तो रिमेनिंग जो ये जो 4/6 है ये किसका किसका है, ए और बी का, इसलिए मैंने सिर्फ ए और बी का लिया था, जब मैं ओल्ड रेशियो बोलूंगा तो उस ऊपर वाले को बोलूंगा, न्यू रेशियो बोलूंगा तो इसको बोलूंगा। आते हैं अपने कौन से केस की तरफ, अब फोर्थ केस की तरफ, सर देखो फोर्थ और फिफ्थ केस दुनिया का सबसे आसान केस है, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है मैं यहां बता देता हूं, केस नंबर 1 का 4 पार्ट मतलब डी पार्ट, देखो भाई बात को ध्यान से समझना, तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, दो पार्टनर है बेटा कौन कौन, ए और बी, रेशियो क्या है 3:2, दे एडमिट सी एंड डी फॉर रुपीज
फॉर 1/5 एंड 1/6 शेयर। दो पार्टनर है बेटा ए और बी, और इनका रेशियो क्या है 3:2। किसको एडमिट किया बेटा इन्होंने, कितने शेयर के लिए, 1/5 और 1/6 शेयर रेस्पेक्टिवली, है ना। तो कैलकुलेट एनपीएसआर, तो आपको क्या निकालना है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है। बड़ा इजी है सर, बड़ा आसान है न्यू पीएसआर निकालना। एक बात बताओ, जब एक पार्टनर एडमिट हो रहा था, अब दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? हो तो या तो फर्स्ट केस की तरह एक ही तरह, वहां एक पार्टनर आ रहा था, कितने पार्टनर आ रहे थे, दो, तो यहां क्या करेंगे? तो सर वही टोटल प्रॉफिट क्या मानेंगे हम, बताओ, वन। तो बताओ सी और सी का शेयर कितना है, 1/5, और डी का कितना है, 1/6। तो बताओ रिमेनिंग क्या बचेगा, 1 - 1/5 - 1/6 19/30। अब ये 19/30 किसको किसको मिल जाएगा, तो बताओ ए का न्यू पीएसआर बताओ सर। बी का बताओ सर, सी का बताओ, 1/5, और डी का देख लेते हैं 1/6। तो देखते हैं सर, इधर आ रहा है 57/150, 38/150। अब 150 करना है तो ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा डी ये 1/6 है ना, तो 150 करना है, 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में तो नहीं आ रही बात सर, बस। अच्छा अब आते हैं फिफ्थ लास्ट केस ई। देखो ये सारे आपने देखा होगा, जो पांचों के पांचों केसेस है ना, वो सब टोटल प्रॉफिट वन एक ही तरीके से सॉल्व, बस थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में माइनस है, डिफरेंस है, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा माइनस है, सॉल्यूशन चेंज हो रहा है ना। अब लास्ट केस है बेटा ए रे ई पार्ट, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, आफ्टरवर्ड डी इज afterward D is admitted for 1/6 share। देखो भाई 4 और 5 केस में क्या डिफरेंस है जरा बताओ, फोर्थ और फिफ्थ केस में क्या डिफरेंस है? हाँ मतलब एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो यहां दोनों, बस यहां दोनों पार्टनर इकट्ठे आए थे, सी और डी इकट्ठे आए थे, वहां पहले सी आया उसके बाद डी आया, तो मतलब पहले आप निकालोगे ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:2, सी एडमिट हुआ कितने के लिए बेटा, 1/5 के लिए। तो अब आप ए बी सी का निकालोगे क्या, अभी तो निकाला था सर 12:8:5, फिर आप ए बी सी पार्टनर है डी को एडमिट करोगे कितने शेयर के लिए, 1/6 के लिए, तो फिर निकलेगा एबीसीडी का, शॉर्ट में निकाल रहा हूं मैं, देखो शॉर्टकट बता देता हूं आपको, 5, 60, 40, 25 और 25। अभी बता देता हूं, देखो एक शॉर्टकट होता है इसको निकालने का, केस वन को निकालने का, जरा ध्यान देना, 12, 8 होगा, ठीक है, इधर ध्यान देना भाई, एक शॉर्टकट भी है देखो, जैसे आपको पूरा उतना सॉल्व नहीं करना, लाइक टोटल पर एक शॉर्टकट है। एक बात बताओ 1/5 है ना, 1 और 5 का डिफरेंस बताओ कितना होता है, 4, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, 4 3 12, 4 2 8,
अच्छा इसका कैसे निकलेगा फिर सी का, इन दोनों का तो निकल गया न्यू रेशियो, इन दोनों को प्लस कर दो और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 2 5 और इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना 1 तो 5 ऐसे। इधर देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 बेटा CUCET देना है ना, वहां शॉर्टकट ही शॉर्टकट के बहुत फॉर्मूले हैं मेरे पास, मैं जब CPT में होता था ना तब पढ़ाते थे हम। तो ये 5 है तो 5 12 5 60 8 5 40 5 5 25 इन सब का सम 25 आ रहा, मल्टीप्लाई करोगे 1 से 25 तो उसको मैंने, आप चाहो तो कर सकते हो ठीक है, ऑप्शन है आपके पास।